District President Azim Arfi, as you Diran Sarfi, as you join Ams Hamra, him as Prophet in Sarfi. मेरे साथी जो मेरे दीराना साथी रहे हैं, जिस जमात से मैं आया हूँ उस जमात में हमने इकट्ठे काम किया, अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमने इकट्ठे काम किया, और मुझे लगता है कि अमीरा कदल में हम दोनों ने लोगों के लिए वो काम किए जो कभी पिछले 50 साल में नहीं हुए थे। एक बार फिर आज इनका अपनी पार्टी में हमारे साथ शामिल होना एक शगुन है, एक पाल है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी छानपोरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है शहरी श्रीनगर के लिए एक पाल है, क्योंकि हाजी परवेज साहब एक ग्राउंड के वर्कर हैं, जगह जगह पहुंचते हैं, और इन्होंने पीढ़ी में काफ़ी मेहनत की। हालांकि वहां की लीडरशिप ने जिस वक्त मुझे पार्टी से खारिज किया, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि परवेज साहब और अल्ताफ साहब के दरमियान खलिश पैदा हो जाए, दूरियां पैदा हो जाए, लेकिन ज़ाती मरासिम हमारे हमेशा ठीक थे। आज पॉलिटिकली भी एक बार फिर हम इकट्ठे चलने एक रास्ते पे आए हैं, मुझे खुशी है। ये शहरी श्रीनगर के लिए भी एक पाल है। जितने पॉलिटिकल वर्कर, अच्छे पॉलिटिकल वर्कर जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक अच्छा इकदाम। तंजीम साजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम एक नई जमात हैं, और आप देख रहे हैं जो आए दिन हमारी एडिशंस हो रही हैं, शहर श्रीनगर में हुई, कल शाम को भी कुछ ज्वाइनिंग्स हुई हैं, आज भी पूरे दिन भर हम ज्वाइनिंग्स का ही सिलसिला जारी है। साउथ कश्मीर से आज बच्ची से कुछ ज्वाइनिंग्स हुई है, तो हमारे लिए तो तंजीम साजी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शन के लिए तो हम पहले से हमेशा कहते आ रहे हैं कि अपना बेसिक राइट है, ये बेसिक राइट जितना जल्दी इनको दिया जाए अच्छा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला है कब करेंगे कब नहीं करेंगे।